सत्य खबर पर आपका स्वागत है। मैं सारी ठीक 60 दिन के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है क्योंकि अक्टूबर माह में विधानसभा के चुनाव होने तय है। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरह से मैं कहूँ आमने सामने की लड़ाई होती है। इस चुनाव में देखा जाए तो दूसरे जो दल है राजनीतिक वो एक तरह से मैदान से हट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल और कांग्रेस सत्ता से जो 10 साल बाद आई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो चुनाव में जो मुद्दे होंगे, जो लड़ाई होगी, बड़ी दिलचस्प होने वाली है। ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों के 90 की 90 विधानसभा में प्रत्याशियों का एक दौर निकलकर आ गया है। बहुत भीड़ होने वाली है इस बार, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो लोगों ने जो प्रत्याशी है सॉरी दावेदार है उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वो सामाजिक कार्यों के माध्यम से, धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं वो सरकार से लेकर जनता के साथ काम करवा रहे हैं। जो बचे हुए काम थे, जिन कार्यों को लेकर थोड़ा विरोध लगता था तो दावेदारों ने उन विरोध को कैच करके उन कामों को सिरे चढ़ाने की एक नई शुरुआत की है। इसी कड़ी में सत्य खबर आज एक ऐसे दावेदार के पास पहुंचा है जो ना केवल पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, सामाजिक कार्यों में भी उनका अच्छा खासा दखल रहा है और सरकार में भी उनकी एक हिस्सेदारी रही है। कृष्ण ढुल हमारे साथ हैं, हम इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे और इनके जो थोड़ा सा इनका जो सामाजिक जीवन है, इनकी जो निजी जिंदगी, इनके जो काम करने के तरीके हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ढुल साहब, सबसे पहले तो सत्य खबर पर ही आपका स्वागत है। नमस्कार सरिता जी, सत्य खबर के सभी श्रोताओं को मेरी नमस्कार और सबका आभार और अभिवादन करता हूँ और सत्य खबर के चैनल के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी इस बात की बधाई देता हूँ कि वो लगातार सत्य के साथ जुड़े हुए, जैसा इसका चैनल का नाम है उसी प्रकार सच्चाई के साथ वो मुद्दों की बात करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। गुरु साहब, लंबे टाइम से आप भारतीय जनता पार्टी संगठन से भी, संघ से भी और सामाजिक कार्यों में बड़े बेहतर तरीके से आपका प्रबंधन मैंने देखा। तो इस बार जो 10 साल के राज के बाद आपको भी पता है कि एक एंटी इनकंबेंसी हो जाती है सरकार को, तो आपको लगता है कि तीसरी बार हैट्रिक करने वाली इस उम्मीद के साथ लोग लगे हुए पार्टी में? निश्चित तौर पर। देखिए क्या होता है महंगी साल का जी, जब एक पार्टी 10 साल से सत्ता में है तो कुछ चीजें होता है, कुछ लोगों की नाराजगी कुछ विषयों पर, कुछ व्यक्तिगत है, कुछ इस प्रकार की कुछ लिटिगेशंस होती हैं, कोर्ट्स के मैटर्स होते हैं जिसके कारण कुछ सामूहिक काम नहीं हो पाते। उसके कारण कई बार लोगों को लगता है कि भी पार्टी ने जानबूझ के काम नहीं कराया या उनकी नेग्लिजेंसी, परंतु ऐसा नहीं होता है। और 10 वर्ष के करे काम में काम हुए बहुत होते हैं विकास के। अगर आप हरियाणा की बात करेंगे तो 8-8 नेशनल हाईवे निकलना अपने आप में हरियाणा की पूरी दशा और दिशा दोनों को बदलता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले 20 वर्षों में जो ये बीच के हमारे जिस जिले में अभी हम बैठे हैं, जिस तहसील के पास हम बैठे हैं, इसके पास से 152 डी गुजरा है, वो जो 6-8 जिले जो इसको टच नहीं करते थे नेशनल हाईवे को, उनकी भी दशा और दिशा बदली। और हमारी सरकार ने जो काम किए उसमें एक जो पारदर्शिता को लेकर के लड़ने का काम किया। शुरू में लोगों को नाराजगी थी कि ये ढकोसला है, सच्चाई नहीं है, परंतु जो 1,35,000 नौकरियां हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के दी और जिस प्रकार से हमने नारा दिया है हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, सबके सम्मान की बात है। और जिस विधानसभा में आज हम बैठ करके आपके साथ इंटरव्यू और बातचीत कर रहे हैं, उस विधानसभा में हमारी 2 बार की सरकार के बावजूद हमारा विधायक क्या नहीं रहा, नहीं है बिल्कुल। बट कोई भी क्या गोहाना का एक भी वासी ये कह सकता है कि गोहाना में काम नहीं हुए? हमारी गोहाना की नगर परिषद को 2 बार राष्ट्रपति जी से स्वच्छता का अवार्ड मिला, उनकी बहुत बड़ी बात है। और मनोहर जी की जो 9.5 वर्ष का उनका शासन था, उनकी दरिया दिली थी कि उन्होंने कभी भी उस इलाके में काम की सोच को बदला है कि जहां पहले अगर आप रोहतक की बात करें, 10 वर्ष का रोहतक का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो शासन था, अगर आप उसमें देखते, आपको भी सारी का जी लोकल है, आप घूमते रहते हो, जैसे ही हम कलम रोड जाते थे तो डबल रोड सिंगल हो जाता, जैसे ही हम इधर से बहु क्रॉस करते थे अकबरपुर महल की तरफ जाने के लिए, तो वहां से जाते ही महल तक तो ठीक, उसके तुरंत बाद जो है सिंगल रोड।
जो विकास की आप बात करते हैं, सिर्फ विकास को नेशनल हाईवे तक आप सीमित नहीं कर सकते। 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने 71 राज किया, और इस दौरान जो अब हम सुन रहे हैं कि उन्होंने 71 राज करके ना तो अपने साथियों को बख्शा और ना किसी वर्ग को बख्शा जिसकी उन्होंने पिटाई ना की। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने आने वाला, जब भी हम फिल्म में जाते हैं ये बात सुनते हैं, एक तरफ आपका विकास का दावा है, एक तरफ तमाम वर्ग कह रही थी इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तो जब विधानसभा में आप चुनाव को लेकर जाएंगे तो ये चीजें आप लोग फेस करनी पड़ेगी, आप मानो या ना मानो इस बात, ये मेरा प्रश्न है। अभी भी फेस नहीं किया क्या आपके? तो पांच सीटें लूज की। अभी आपने पहले प्रश्न में कहा कि 10 वर्ष की एंटी इनकमबेंस, दूसरा आपने कहा कि समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज, खिलाड़ी, जवान, किसान, कर्मचारी, सरपंच, अन्य कास्ट, उसकी भी जिसकी बात है, यानी कि क्या हरियाणा में कोई भी लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते आसान है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा था? नहीं कर। तो क्या कारण था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतना पसंद करते हुए 10 की 10 सीट नहीं थी? अगर ऐसी बात थी, समाज के सभी लोग हमसे नाराज थे, तो भी हम 5 सीटों पर कैसे, और 3 सीटें तो सारिका जी लीडरशिप मार्जिन से आ रहे हैं, नहीं तो हम 8 जीतते। अच्छा। ये कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट थी हमारी जो 3 सीटों पर आ रही। जीत उनकी है कहां? रोहतक में जीत है, सिरसा में जीत है, जहां 3-3 लाख से जीते उसको मानते कि हां उनका प्रभाव है। क्या आपके इन 20,000 की सोनीपत जीत को भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी जीत मानते हैं? मुझे लगता है ये हमारी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमजोरी थी जिसके कारण सीट आ गई। 44% वोट बैंक में जी हम सबसे ज्यादा है, 48% 44 सीट पर हम सबसे ज्यादा है, और फिर भी आप कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी? मैं तो कहता हूं हमारी सरकार तीसरी बार निश्चित है, काम रहे हैं, चूक रही है, वर्ग नाराज रहे हैं, हम मनाएंगे उनको बरकरार। और कितना बड़ा कारण था इन इस बार के पूरे चुनाव में कि एक बहुत बड़ी भूख झूठ बोली गई कांग्रेस के माध्यम से कि खटाखट खटाखट 8500 रुपए मिलेंगे, संविधान टूटेगा अगर 400 पार गए, तब वो भारत वर्ग जो है ऐसी समाज में बह गया, तब जाकर के इज्जत बची है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा में। ये तो होगी साफ लोकसभा की, तो विधानसभा में गुहाना विरोधा आपका कमल खेल नहीं, और कृष्ण बोलने में अगर बात करूं तो गुहाना को संभाल लिया। आप जो तैयारी में जुट गए हैं, दावेदार हैं, अभी तो पार्टी ने आपकी फैसला कर लिया, तो जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि गुहाना खाली गवर्नमेंट लिया सुबह कितने बजे उठते इस बात को लेकर मैं बनाते हूँ कि आज मैंने गुहाना में जाना है, तो आपका जो तैयारी है जो मैप है गुहाना के लिए, वो आपकी जो निजी लाइफ होती है आदमी की भी मुझे उठ के सुबह यह काम करना, मैं भी उसमें और भी लोग, तो आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह करीब 5:30 बजे उठता हूँ, और सबसे पहले व्यायाम की आदत है मुझे, रनिंग करता हूँ मैं, जैसे आपने पिछले दिनों देखा भी था कि मैं मैराथन करता हूँ, भागता हूँ। मैं अपनी लाइफ में सबसे लंबी अगर दौड़ की बात करेंगे तो मैं लगातार 102 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ 14 घंटे में, एक बार में 13.46 घंटे में मैं चौधरी देवीलाल स्टेडियम पंचकूला में लगातार 102 किलोमीटर भागा। मतलब फिट है, राजनीति में फिट होने वाले हैं? बिल्कुल, मैं राजनीतिक फिट आदमी हूँ। मुझे संगठन के माध्यम से वहां भेजा गया है कि आप जाइए वहां काम करिए, जनता के बीच में रहिए। 5:30 बजे उठ करके मैं अपने व्यायाम के बाद अपने आवास पर आकर के लोग जो होते हैं उनसे मिलना जुलना, उसके बाद ध्यान स्नान करने के बाद दफ्तर में जाना जो कि मेन रोड पर अपना कार्यालय खोल लिया है, जहाँ बैठे हैं सेक्टर 7 में हाउस नंबर 632 है, ये आवास है। उसके अलावा रोज अलग अलग गांव में अलग अलग डेलीगेशन मिलते हैं, जाता हूँ समस्याएं मिलने के लिए, सुनने के लिए, और उसके बाद रात के 10:30 बजे तक लोगों के साथ, वर्करों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, परिवार के साथ बैठ करके आगे की रणनीति की चर्चा। एक तरह से ये हो गया, वो एक देसी भाषा है ना कि गांव मिला लिया, तो यहाँ के लोगों से आपने अपने आप को जोड़। मैंने जैसे कहा कि जैसे मनोहर जी ने कहा हरियाणा एक और हरियाणा नहीं, तो हरियाणा का मेरा ये मानना है कि हरियाणा का कोई भी आदमी कहीं से भी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव कर सकता है। विषय यहाँ ये बहुत छोटा विषय है कि मैं बाहर का हूँ वो अंदर का है वो बाहर का, सबका काम पार्टी और संगठन के लिए
काम करना तो पार्टी को जिताना। वो तो आपकी पार्टी ने 2014 में दूर कर दिया था, मनोहर लाल खट्टर रोहतक से गए और करनाल से। तो ये जो फार्मूला है कि भाई बीजेपी का एक ऐसा जादू और कहीं से बुला के लाओ और उसको जितवा दो, तो क्या लगता है फार्मूले में आपकी कामयाब होने वाले? विनेबिलिटी किसकी, दूसरा कार्यकर्ता की कर्मठता को ध्यान में रखा जाता है। और जहां मुझे भेजा गया ये सीट हमारी डी कैटेगरी की सीट। अगर मैं आपको हमारा वर्गीकरण करके बताऊं तो ए बी सी डी जो चार कैटेगरीज है उसमें हमने गोहाना को डी कैटेगरी की सीट माना, क्योंकि आज तक गोहाना में हमारी जमानत जब पूरी आई थी और जब सरकार आई है तो भी हम 25 और 27 हजार वोटों से ज्यादा। एक सवाल है जैसे मैंने लोकसभा में बहुत नजदीक से आपके चुनाव को कवर किया, देखा 10 साल से ठीक है एक छत्तर राज किया और बेहतर तरीके से मनोहर लाल का प्रबंधन किया, जो वर्कर था आपका जो बिल्कुल लगातार दरी बिछाने वाला वर्कर बोलते वो एक थकाव और उबाऊ सा हो चुका था, वो आखिरी दम तक कैसे हथियार से लड़ता है एक सिपाही, ऐसे मुझे कोई जोश नजर नहीं आ। तो क्या लगता विधानसभा में वो जो लोग हैं जो लंबे टाइम से जुड़े हुए दरी बिछाने वाले उनको तवज्जो दी जाएगी, वो लड़ेंगे आपके साथ? देखिए मुझे पहले तो ये लगता है जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो संगठन से इतना गहरी से जुड़ा होता है कि वो व्यक्तिगत चीजों को छोड़ देता है जी। और ये जरूर हुआ कि जब 2014 में हमारी सरकार आई तो बहुत सारे लोग ऐसे आए जो दूसरे दलों से थे, दूसरे विचार, और उन लोगों को ये लगता था कि सरकार आई है तो हमारे खाने की जगह अब वहां शुरू होती है, जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में चौटाला साहब के राज में थे। लेकिन बनी नहीं बात, ये तो मनोहर जी की दिव्य दृष्टि थी, उनकी सोच थी, उनका विचार था और उनका ये मानना था। हम जैसे कार्यकर्ता नाराज हो जाते थे मनोहर जी से, मेरा काम नहीं हुआ, मुझे ठेका नहीं मिला, मेरा बच्चा नौकरी नहीं मिला, तो वो बड़ी सावगोई के साथ कहती। अच्छी देखो क्या है, हरियाणा के 50 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, तब जाकर के 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नाम पर वोट आया। लोगों ने ये कहा कि शायद हरियाणा में अदरवाइज आप जहां भी देखो हमारे 90 कार्यकर्ता लड़ते थे तो उनमें से 70-75 की जमानत होती है। और इसलिए कार्यकर्ता थोड़े होते थे, लेकिन जब जनता ने आवाज उठाई, मन बनाया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा जाएगा, वो 2014 का समय था। हमने अलग नहीं किया था कुछ, मैं सरकार की बड़ा समझ है बोलने वाला कार्यकर्ता हूँ, कई बार मुझे इसके लिए डांट भी पड़ती है कि आप बहुत स्पष्ट बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2014 में हमारी सरकार आई तब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता के लिए कुछ नया नहीं किया था, अपितु कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल से लोगों को दिमाग से नफरत हुई, वो चाहते थे कि इनको बाहर किया जाए। जैसा पंजाब इस बार हुआ, मतलब 52 साल के प्रकाश सिंह बादल जिंदगी का आखिरी चुनाव हो चुका। अच्छा इस जो आप बात कह रहे हैं दिमाग में ये था कि भी वहां भी भलाई खाई गई, लेकिन जब दूसरे दलों से लोग आते हैं ना, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस, बड़ा जोर शोर से गले लगाते हैं। आप एक बात मानो, आपकी लोकसभा में जो प्रत्याशी थे वो आप पता ना आपको एक्सपोर्ट किए, गले तो लगाते हैं लेकिन जिताओ कैंडिडेट देखते हैं, तो ये आप कैसे डिफाइन करेंगे इस बात को कि विधानसभा में भी सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाएगा ये संगठन से जुड़े हो, दूसरे राजनीतिक दलों से लोग जैसे लोकसभा में तो विधानसभा में भी हो सकते हैं? नहीं आ सकते। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए दल नहीं देश है, हम लोग राष्ट्र की बात करें। अगर मेरे गोहाना से भी अगर कोई बड़ा आदमी आकर के कांग्रेस का चुनाव लड़ता है और पार्टी को ये लगता है कि उसकी विनेबिलिटी ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि मुझे पार्टी को सत्ता में लेकर के आना मेरी छोड़नी पड़ी। मैं 1 साल से काम कर रहा हूं और मैं खुद ही दिल से पार्टी के साथ जाकर के उसको कंधे से कंधा मिला करके उसको चुनाव लड़ाऊंगा। अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो अन्य कार्यकर्ता मेरे को लड़ाएंगे, तो और मुझे नहीं लगता कि इस बात में हमें इतनी छोटी मन के साथ चलना चाहिए कि मैं कहां जाऊं। मेरी सरकार जिस दिन आएगी तो निश्चित तौर से मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं पार्टी का एक सामान हूं। तो कृष्ण जी क्या लगता है आपको, विधानसभा चुनाव तो बिल्कुल नजदीक आ गया है और पार्टी भी एक्शन मोड में है, थोड़ा पुश किए जा रहे हैं सब विकास कार्य, क्या लगता है कि तीसरी बार बनेगी वापस? बहुत ज्यादा उत्साह की बात करी जाए और आंकड़ों की बात करी जाए, उत्साह में तो हर भाजपा का कार्यकर्ता ये कहता है कि बढ़ेगी, क्योंकि सभी को, और आप जेजेपी से पूछोगे जिसकी पूरे
हरियाणा के लोकसभा चुनाव में 1,12,000 वोट आएंगे, आप उनसे पूछो वो भी कहेंगे हम सरकार बनाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के एक ही विधायक है अजय सिंह, उससे पूछो वो भी कहेंगे मैं भी सरकार बनाऊंगा। अपनी बात करेंगे नहीं, मैं बताना चाहता हूँ तो भाजपा का भी एक कार्यकर्ता ये बोलेगा कि हमारी सरकार आएगी, परंतु मैं तथ्यों पर बात करने वाला, आंकड़ों पर बात करने वाला सामने कि जिस प्रकार से लगातार हमारी इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हम इस हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम में 48% मतदान के साथ प्रथम पद पर है पार्टी, और 44 विधानसभाओं में हमने जीत हासिल की, और हमने जब हार जीत का अंतर देखेंगे तो करीब 8 से 12 सीटें ऐसी है जिसमें हम 5,000 से कम मार्जिन से हारे हुए विधानसभा, तो वहां पर भी हम लोग अलग ढंग से काम करेंगे। और जो एंटी इनकम्बेंसी जिस वर्ग जैसे सरपंच हमारे से नाराज, उनको लगता था कि कुछ चीजें हमारे साथ करेंगे, अब पार्टी के संगठन में तो हमने कर दिया। ओबीसी की लेयर्स है, ओपीएस है, एनपीएस है, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार सिंपथेटिकल ग्राउंड पर लोगों के हित की काम कर, कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात चल रही है। तो ये जिस तीन ये सारी चीजें इस आपको लगता है कि ये पार्टी को इसका कद भी ऊपर उठेगा और तीसरी बार उसी चंडीगढ़ में पहुंचेगा। देखिए बिल्कुल, पहली बात तो जैसे आपने लगा के आपने ये कहा कि मनोहर जी ने सबकी रड़क निकाली, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की नेता हूं मैं, मुझे लगता है कि उनका कार्य करने की शैली ऐसी थी, क्योंकि दूसरी बार भी तो वो खुद अपने बलबूते पर आए थे। अगर ये बात करें रड़क निकालने वाली बात होती तो भाई जी 2019 में जनता राह देती हमारे को। अच्छा आप देखिए, एक छोटा सा कंपेरिजन करूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल का कंपेरिजन करते हैं कि 10 साल का कार्यकाल उनका, 10 साल मनोहर जी रड़क निकालने वाले थे आपके मुताबिक, और मनोहर हुड्डा साहब सबको सहेजने वाले थे, पहली बार सिरसेट उनके नाम पर तो नहीं आई, हम भी मानेंगे मनोहर जी के नाम पर नहीं आए क्योंकि मनोहर जी बाद में से हुए। दूसरा जो कार्यकाल था वो बड़े के नाम पर था, तो 40 मनोहर जी की आई और 40 भूपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा के साथ 3 पीढ़ियों की लेगेसी, उनके दादा, उनके पिता और खुद सांसद चर्चा मार के, मनोहर लाल तो पहली बार का कार्यकाल था, पहली बार मुझे बना काम करने की रीति नीति सोच विचार अपने बलबूते पर 2014 में से 2019 में सरकार में विधायक कम रहे, लेकिन उसके बावजूद बड़े अंत में और एक बात कहूंगा जी, जो इतना बड़ा काम किया हरियाणा में, अगर लालों की लाल कोई निकला और साबित हुआ तो मनोहर लाल हुआ, जिन्होंने अपने झंडे के नीचे तीनों लाल के परिवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई और काम करवाया, और भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी की जय का लड़ पाई वो तीनों लालों के परिवार जो पूरे हरियाणा की राजनीति को केंद्रित करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बड़ी बात कही है गुरु साहब ने कि तीनों लालों के परिवार को अपने झंडे के नीचे लाकर जो एक चक्कर छाया राजनीति ने किया उसको एक बार फिर इस लेवल पे भी साबित कर दिया। देखते हैं आने वाले समय में जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन मुद्दों को लेकर जो नाराज हुए वर्ग है उनको मनाने की कोशिश कर रही है, और किशन रूल जैसे एक जो बड़े मजबूत कार्यकर्ता मानते हैं खुद को बड़े पदों पे रहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में एक खास बात है कि वो सब अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं, लोग इनकी बातों पर भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों पर भूल साहब जैसे कार्यकर्ताओं पर मोहर लगाकर गोहाना और बड़ौदा में कमल के फूल पर मोहर लगाकर इनका खाता खोलेगी या नहीं ये आने वाला समय बताएगा। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।